शक्ति पैथोलॉजी को प्रभारी चिकित्सा अधिकारी ने किया सील। संचालक विजेंद्र सिंह ने कहा कि सभी कागजात होने के बाद भी किया गया सील। उत्तर प्रदेश जनपद जौनपुर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गेट के ठीक सामने शक्ति पैथोलॉजी जो आए दिन चर्चा का विषय बना रहता है, कई बार शक्ति पैथोलॉजी सील हो चुका है। शुक्रवार को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राजेश के साथ अस्पताल के स्टाफ और मुगराबाई शाहपुर थाना के सब इंस्पेक्टर की टीम की मौजूदगी में शक्ति पैथोलॉजी को सील किया गया। उधर जब इस मामले को लेकर शक्ति पैथोलॉजी के संचालक विजेंद्र सिंह ने कहा कि बिना किसी कारण बताए प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राजेश ने पैथोलॉजी को सील किया। विजेंद्र सिंह ने कहा कि मेरे पास जरूरी सभी कागजात लाइसेंस मौजूद हैं, उसके बावजूद सील किया गया। इस मामले को लेकर जब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी के दूरभाष पर संपर्क किया गया तो उन्होंने बताया कि सीमो जौनपुर के आदेश पर शक्ति पैथोलॉजी को सील किया गया है। पेश है सबकी नजर के लिए सर्वेश तिवारी के साथ एसएस पांडे की खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं सबकी नजर, मैं हूं एसएस पांडे। कई बार देखने को मिला है कि शक्ति पैथोलॉजी जो मुगराबाद शाहपुर में संचालित है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के सामने गेट के ठीक सामने शक्ति पैथोलॉजी है, और कई बार सुनने में आया कि शक्ति पैथोलॉजी सीज हो रही, सील किया जा रहा है। और इसी क्रम में आज भी थाने की पुलिस और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर राजेश आकर के आज भी आप शक्ति पैथोलॉजी को सीज किए हैं। जो विजेंद्र सिंह जी हैं हमारे बीच में हैं, आइए विजेंद्र सिंह से बात करते हैं कि आखिर क्यों बार बार सीज किया जा रहा है। विजेंद्र जी, आज हमें मतलब कुछ पता लगा कि कुछ हमारे खिलाफ कार्रवाई होनी है, तो मैं गया सरकारी अस्पताल में, अधीक्षक साहब से मिला कि सर क्या बात है, कहने बार बार क्यों ऐसा कर रहे हो। हम कह सर कोई आरोप तो उसको आरोप बताया और उस पर हमारा जवाब लीजिए, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसा बताया नहीं कि आपके ऊपर क्या आरोप है, और चले आए कार्रवाई करिए जो उनको करना था। अभी हमको कुछ लिखित नहीं मिला कि आपके लिए आपका अपराध क्या है, लाइसेंस भी हमारा रिन्यूअल हो गया है, सब कुछ हो गया है, और कौन सा आरोप है बाद में ही पता चलेगा। विजेंद्र सिंह जी, बात क्या है कि कई बार ऐसा हो चुका है, जैसे कहा जाए कि एक नाटक का रूप एक देखा जाए तो उदाहरण दिया जाए तो उससे कहीं कम नहीं है, कई बार आपकी पैथोलॉजी को सीज किया गया और आज भी आपकी पैथोलॉजी को सीज किया गया, कहीं आपके पीछे कोई जो है साजिश तो नहीं है? देखिए, हमको इसमें बहुत कोई साजिश नजर नहीं आती है। कुछ लोगों से हमारा पर्सनल कुछ द्वेष है, लड़ाई झगड़ा है, तो ये होता है कि हर आदमी फ्री है, कहीं ना कहीं एप्लीकेशन डालता रहता है, उस क्रम में अधिकारी आते हैं, जांच करते हैं, यदि कोई कुछ कमी पाते हैं तो उस पर कार्रवाई भी करते हैं, तो इसी क्रम में मतलब थोड़ा सा हमारे प्रति ज्यादा है। क्यों अस्पताल के ठीक सामने आपका जो पैथोलॉजी सेंटर है चल रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि गेट से निकलते ही देख लेते हैं कि आपकी पैथोलॉजी जो है चल रही है, ठीक ठाक लोग आ रहे हैं यहाँ पर, उनका जांच भी हो रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस तरीके से किया जा रहा हो? नहीं, हमें ऐसा कुछ नहीं लगता है, और यदि शिकायत उच्च स्तर पर की जाती है तो अधिकारियों का दायित्व बनता है कि वो आए चेक करें, अपनी रिपोर्ट लगाएं, उनको अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, हम अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। लेकिन आज तो अधिकारी को उच्च अधिकारी नहीं आए हुए थे, आज थाने के स्टाफ और प्रभारी चिकित्सा अधिकारी आए हुए थे, और जो यहाँ के एसडीएम साहब हैं वो भी मौके पर नहीं थे। क्या आपने कभी उनसे पूछने की बात किया, आज पूछे आप कि क्यों ऐसा किया जा रहा है मेरे खिलाफ? जी, हम पूछे उनसे तो बस केवल इतना ही बोले कि क्यों ऐसा काम कर रहे हो, बार बार तुम्हारी शिकायत आ रही है, तो अब वही सही मायने में बता पाएंगे कि आखिर ऐसा उन्होंने ऐसा क्यों किया, क्या हमारे ऊपर आरोप था। चूंकि अधिकारी है तो उनको रोक भी नहीं सकते हैं, चिकित्सा विभाग के अधिकारी हैं। कई बार विजेंद्र सिंह जी, कई बार सीज करने के बावजूद भी आपकी पैथोलॉजी चल जाती है, चलने के बाद फिर सीज हो जाती है, उसका कारण क्या है? जी देखिए, जब कानूनी रूप से हम दुरुस्त रहते हैं तो हमको कहीं ना कहीं से कानून का संरक्षण प्राप्त हो जाता है, और यदि कानून इस देश में न रहे तो बड़ी परेशानी होगी, गरीबों के साथ कैसे जिएगा। आपका चहेता चैनल भारत सरकार की डिजिटल मीडिया आचार संहिता 2021 के अंतर्गत FCDN का सदस्य है। हम अपनी खबरों में FCDN की कोड ऑफ एथिक का पालन करते हैं। FCDN का सदस्य होना ही खबरों की प्रमाणिकता है।